ये टेक्नोलॉजी पहले आती थी, अभी इन प्रिंटर्स में क्या आ गया है, यू हैव दीज काइंड ऑफ इंक पैक्स. अच्छा, सो दीज आर ऑल यूजर रिप्लेसेबल. सो वी कॉल इट एज अ इनोवेटिव रिप्लेसेबल इंक पैक सिस्टम. This is the thing. So this is black. This standalone gives you 86,000 pages on ISO mode. 86,000 pages in a single go. This comes with along with the machine. Then these are all color. So CMYK. These are the ink packs again. आपने केवल निकाला, दूसरा लगाया, and आपका printer. चालू. हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम. आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड. वेलकम टू डी आर्क बिल्ड एक्सपो 2023. और अभी मैं आपको लेकर आ गया हूं एप्सन कंपनी के स्टॉल पर. और यहां पर ये काफ़ी सारे प्रिंटर्स शोकेस कर रहे हैं. और आप जैसा कि जानते हैं कि भाई प्रिंटर्स के अंदर एप्सन का नाम है ये. और इन्हीं से आज बात करने वाले हैं. अगर आपको इन प्रोडक्ट्स की नीड है या इस तरह की बिजनेस में आप इंटरेस्टेड हो, वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है. सो हेलो सर, कैसे आप? बढ़िया सर, आप सुनाएं. बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे सर अपना. सर मैं अंकित गुप्ता हूँ, एप्सन में कमर्शियल प्रिंटिंग हैंडल करता हूँ. एंड उसमें A4 A3 पूरा सॉल्यूशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं. बेसिकली हमने यहाँ पे जो स्टॉल लगाया है वो आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स के लिए लगाया है. वी हैव सॉल्यूशन इन A0, वी हैव इन A4, वी हैव इन A3. जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं अपने प्रिंटर्स में वो इंकजेट टेक्नोलॉजी है, जिसका बेस्ट पार्ट इज़ दी पेज, दी कॉस्ट पर पेज. जो हमारा लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी, इंकजेट इंक आती है, पिगमेंट इंक होता है उसमें. उसका बेनिफिट ये होता है कि वो वाटर प्रूफ, स्मच प्रूफ, फेड प्रूफ होता है. आपने एक बार प्रिंट किया, दैट विल लास्ट लॉन्ग फॉर 100 ईयर्स. देन योर पर पेज कॉस्ट इज लाइक 12 पैसा से हमारे स्टार्ट हो जाता है, विच गोज टिल 30 पैसा. इन कलर वी हैव लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम 18 पैसा, इट गोज टिल 75 पैसा. सो ऐसी कॉस्टिंग हम लोग वर्क करते हैं. देन जो बेस्ट पार्ट होता है पावर कंजम्पशन, बिकॉज ऑफ इंकजेट टेक्नोलॉजी ये हीट फ्री प्रोसेस है सारा. एंड हीट फ्री में क्या होता है, आपका पावर कंजम्पशन इज़ वेरी लेस, क्योंकि यहाँ पे कुछ वार्म अप हमें नहीं करना है. इट्स समथिंग कि हमने प्रिंट कमांड दिया एंड इट विल प्रिंट. सो वहाँ पे हमारा जो स्टार्टिंग पावर कंजम्पशन है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 12 वॉट्स एंड फॉर 100 ppm यूनिट इट इज़ मैक्सिमम टू 180 वॉट्स. सो वो पूरा का पूरा सॉल्यूशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं. सो जैसे प्रिंटर्स में अगर देखें तो एप्सन एक वेल नोन ब्रांड है, हर कोई जानता है कि भाई प्रिंटर्स लेना है तो इसी ब्रांड का. यहाँ पर डी आर्क बिल्ड एक्सपो में आप शोकेस कर रहे हो, यहाँ पर पर्पस क्या है सर? यहाँ पे पर्पस ये है कि जैसे आर्किटेक्चर्स यहाँ पे आते हैं तो अपनी ड्राइंग्स प्रिंट करते हैं या अपने प्रेजेंटेशन वो प्रिंट्स करते हैं, अपना जो प्रोडक्ट वो बना रहे हैं वो शोकेस करने के लिए वो प्रेजेंटेशंस बनाते हैं एंड वो ड्राइंग्स या कोई इमेजेस प्रिंट करते हैं. तो उसके लिए हमारे पास पूरा का पूरा सॉल्यूशन है. लाइक ये A0 प्रिंटर है, इस पर आप अपने ड्राइंग्स प्रिंट कर सकते हैं इन द बिगर साइज. देन वी हैव मोनोक्रोम A4 प्रिंटर, जिसमें हमें नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स जो प्रिंट करना है वो हम कर सकते हैं. देन वी हैव A3 कलर प्रिंटर. लाइक हमें अगर ड्राइंग्स प्रिंट करनी है कलर फॉर्म में या कोई फोटोज प्रिंट करनी है तो वो पूरा का पूरा सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे शो कर रहे हैं. अच्छा, तो जो आर्किटेक्चरल पर्पज से आप यहाँ पर शोकेस कर रहे हो, यूज केस इस तरह से दिखा रहे हैं कि यहाँ पर भी हम यूज कर सकते हैं. जैसे यहाँ प्रिंटर्स को देखिए, अगर टेक्निकल जानकारी चाहिए या किस तरह ये काम वर्किंग है उसके बारे में बता सकते हैं सर? ये जैसे हमारा कमर्शियल एक प्रिंटर है, A3 सेगमेंट का ये प्रिंटर है बेसिकली. एंड इस पर हम लोग क्या है, ये जो फीचर्स इसमें आते हैं दैट इज़ प्रिंट, स्कैन, कॉपी, फैक्स, वाईफाई, वाईफाई डायरेक्ट, ADF, डुप्लेक्स, नेटवर्क, यू हैव पेन ड्राइव पोर्ट. जैसे फॉर बिगर ऑर्गेनाइजेशन दे वॉन्ट सिक्योर प्रिंटिंग एनवायरमेंट, कि हमें पिन बेस्ड सॉल्यूशन चाहिए या RFID कार्ड रीडर सॉल्यूशन चाहिए, सो वी प्रोवाइड दैट सॉल्यूशन एज वेल ऑन दीज मशीन्स. सो उसमें क्या होता है, हम लोग रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं यूज़र्स के ऊपर. देन अगर हमें कोई इमेजेस प्रिंट करनी है, लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, इफ़ यू वांट टू प्रिंट सम इमेजेस, जैसे ये हमने इमेज इस प्रिंटर का ये सैम्पल है. अच्छा, वाओ, ये जी जी. सो ये एक सैम्पल है. सो जैसे हम कुछ भी प्रिंट कर रहे हैं, या जैसे यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि शोकेस करती हैं अपने प्रोडक्ट, उसके लिए ये ब्रोशर्स वगैरह प्रिंट करते हैं, तो उसी के लिए ये प्रिंटर्स हम लोग यूज़ करते हैं कॉर्पोरेट्स. अच्छा, में तो साइजेस क्या रहते हैं, किस पेपर साइजेस में? सो ये आप इसमें, दिस इज जनरली A4 एंड A3. दी मैक्सिमम साइज वी कैन प्रिंट इज फ्रॉम लाइक स्टिल A3 प्लस, विच इज 13x19, जो एक फेमस हम लोग बोलते हैं अपनी लाइन में, प्रिंटिंग लाइन में, कि बिगेस्ट साइज क्या हम प्रिंट कर सकते हैं वो 13x19 चलता है. सो ये दिस प्रिंटर कैन प्रिंट 13x19 प्रिंट एज वेल फ्रॉम दी बाईपास ट्रे. तो ये स्पीड भी डिपेंड करता है कितने प्रिंटर्स आप कितने प्रिंट कर सकते हैं. यस, जैसे ये वाला प्रिंटर है, दिस इज 25 ppm, वी हैव 25, 26,
40, 50, 60, 75 and 100 ppm तक की यूनिट्स हमारे पास अवेलेबल हैं. सो दैट कैन प्रिंट 100 पेजेस पर मिनट. दैट इज द स्पीड वी हैव. जैसे आप दिखा रहे हो हाई प्रिंट. यस. एंड ये क्या है कि इनोवेटिव रिप्लेसेबल इंक पैक. आई विल शो यू. सो अभी तक क्या होता था, जैसे इंक टैंक टेक्नोलॉजी में हम लोग रिफिल करते थे, या जैसे लेजर टेक्नोलॉजी आती है तो उसमें हम टोनर रिफिल करते थे. सो इन दीज मशीन्स वी हैव रिप्लेसेबल इंक पैक सिस्टम. जनरली क्या होता है कि इनको करने के लिए ना हमें टोनर भरना है अगर, तो इंजीनियर आएगा और हमारा मतलब या तो वो होता है, जनरली आपने देखा होगा पेपर रखते हैं उसके ऊपर रिफिल कर रहे होते हैं, या इसमें हम यहाँ पे इंक ये ओपन करके इंक करते हैं. अच्छा. ये टेक्नोलॉजी पहले आती थी. अभी इन प्रिंटर्स में क्या आ गया है, यू हैव दीज काइंड ऑफ इंक पैक्स. अच्छा. सो दीज आर ऑल यूजर रिप्लेसेबल. सो वी कॉल इट एज अ इनोवेटिव रिप्लेसेबल इंक पैक सिस्टम. दिस इज द थिंग. सो दिस इज ब्लैक. दिस स्टैंड अलोन गिव्स यू 86,000 पेजेस ऑन ISO मोड. 86,000 पेजेस इन अ सिंगल गो. दिस कम्स विद अलोंग विद द मशीन. Then these are all color. So CMYK. These are the ink packs again. आपने केवल निकाला, दूसरा लगाया, and आपका printer चालू. अच्छा. So बहुत simple तरीके से हम लोग इसको innovative mode में लेके आए हैं. So this is the only consumable we have. This ink packs and the maintenance box. एक वेस्ट बॉक्स होता है जहाँ पे इंक कलेक्ट होती है वेस्ट इंक. केवल यही एक कंज्यूमेबल आइटम्स है इन प्रिंटर्स के अंदर. तो इस तरह के इंक बैग्स आपके पास रहेंगे अवेलेबल है. खत्म हुआ आप आपने परचेज किया, इट विल शो यू द वार्निंग शाइन साइन एंड देन आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं. अच्छा. ये चीज है. देन इको फ्रेंडली. इको फ्रेंडली व्हाट वी से इज लाइक अभी जो टेक्नोलॉजी चलती है लेजर जेट या इंक जेट. सो इको फ्रेंडली में हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो प्रिंटर्स हैं दीज आर ऑल हीट फ्री. अच्छा. मतलब इफ आई एम प्रिंटिंग एनी फाइल ऑन दिस, दिस विल बी कोल्ड प्रोसेस. दिस इज हीट फ्री टेक्नोलॉजी. यू कैन यूज दिस प्रिंटर 24/7. ये गर्म नहीं होगा. लेजर में क्या होता है कि आपने प्रिंट दिया, वो थोड़ी देर के बाद गर्म होएगा, वो स्लो डाउन हो जाएगा, फिर रुक जाएगा, फिर मतलब फिर प्रिंट करना चालू करेगा. ये लेजर टेक्नोलॉजी पे नहीं है. नहीं, ये इंक जेट टेक्नोलॉजी पे. यस यस. सो एप्सन एज अ ब्रांड वी आर फ्रॉम जापान एंड वी आर लाइक सस्टेनेबल. वी आर मेकिंग ऑल द प्रोडक्ट्स लाइक फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फॉर द इको फ्रेंडली. एंड जैसे ये सेकेंड आप दिखा रहे हैं, ये हमारा एक बेसिक A3 मल्टीफंक्शन डिवाइस है फॉर द ऑफिस यूज. ये अभी स्विच ऑफ है. आई विल शो यू. हमारा बेसिक ऑफिस डॉक्यूमेंट प्रिंटर है. ये A3 में आता है. बेसिकली जैसे आर्किटेक्चुरल ड्राइंग्स वगैरह हमें प्रिंट करनी है A3 में, A4 में हमें नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करना है. सो हम ये प्रिंटर सजेस्ट करते हैं. दिस इज L15160. इसमें क्या होता है, ये इंक टैंक टेक्नोलॉजी पे है. सो आपकी पर पेज कॉस्टिंग बहुत कम आती है. इट इज़ अराउंड 15 पैसा मोनो एंड 36 पैसा कलर की कॉस्टिंग आती है ओनली. सो आप इस पर A3 के मैप्स प्रिंट कर सकते हैं, अपने नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स प्रिंट कर सकते हैं. एंड दिस इज ऑल्सो फुली लोडेड. प्रिंट स्कैन कॉपी फैक्स आपका है एंड दो ट्रेस के साथ आता है 250 शीट्स ईच की आती है. ऑटोमेटिक ड्यूप्लेक्स है A3 तक. आपका स्कैनर जो है वो A3 तक है. सो ये सारे फीचर्स इसमें अवेलेबल है. जो स्क्रीन दिए गए हैं वो टच स्क्रीन. टच स्क्रीन पूरा आता है. 4.3 इंच का टच स्क्रीन है. 50 शीट्स का ADF है. 50 शीट्स का बाईपास ट्रे है. इसमें इंक जो है फिलर करना पड़ेगा इस तरह से फिल करने पे. केवल आपने ये ओपन करना है, बॉटल का नॉब, बॉटल लगानी है. बॉटल का नॉब अपने आप इसमें कनेक्ट हो जाएगा एंड देन आप इसको वो अपने आप रिफिल हो जाएगा. आपको प्रेस भी नहीं करना है. दैट इज स्पिल प्रूफ. इसको क्लोज किया, सिंपल. यहाँ पे आपको इंक लेवल्स दिख जाएंगे. ये चीज़ तो जैसे ही वो यहाँ पे भी आ रहा है, प्लस आपका यहाँ पे भी आपको ये मेंटेनेंस बॉक्स का आपको दिख जाएगा कि जहाँ पे आपका वेस्टिंग कितना आपका बचा हुआ है, वेस्ट बॉक्स बचा हुआ है. ये नेक्स्ट प्रिंटर के बारे में बताएंगे सर, इसके बारे में. ये बेसिकली 24 इंचेस का प्रिंटर है. इसके अंदर आप A1, A2, A3, A4 साइज का कुछ भी निकाल सकते हो. इसके अंदर रोल एंड कटशीट दोनों चीज़ सपोर्ट होती है. जैसे आप देखना चाहोगे यहाँ आप रोल लगा सकते हैं एंड ये इसमें कटशीट की ट्रे भी दी हुई है. A3 एंड A4 इसमें चल जाएगा आराम से. इसके अंदर वाईफाई वगैरह सब कुछ है. वाईफाई डायरेक्ट एंड USB LAN ये सारा कुछ सपोर्ट करता है. इस प्रिंटर के अंदर आप फोटो ग्लोस, लस्टर, मैट, सेटिन एनहेंसमेंट, विनाइल, नॉर्मल पेपर सारा कुछ निकाल सकते हैं. इसके अंदर आप 45 GSM से लेकर अप टू 260 GSM तक का कोई भी मीडिया इसके अंदर चला सकते हैं.
और जैसे इंक कहाँ पर है, यहाँ पर इसका बेसिकली इसमें कार्टेजेस लगती हैं जो हेड के अंदर ही होती हैं। ये इनिशियली स्टार्टिंग रेंज का मॉडल है इसका, एप्सल का। इसकी नियर अबाउट कॉस्टिंग 85,000 प्लस GST है। इसकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट पड़ती है कैड की, नियर अबाउट पड़ती है A1 पे 10 रुपीज। जैसे स्पीड क्या रहती है, जैसे अगर A1 साइज में अगर इसकी जो स्पीड होगी वो पड़ेगी आपकी A1 की 34 सेकंड्स पर A1 जी। और एंटी डस्ट प्रिंटर डिजाइन, ये बेसिकली क्या है कि इसे इस तरीके से मॉडिफाई किया गया है कि इसके अंदर डस्ट वगैरह नहीं जाएगी, ये पूरा एक तरह से लॉक सिस्टम है इसका। और यहाँ पर ये आपका जो पैनल है, टच पैनल है इसके अंदर। एंड पावर कंजप्शन भी इसकी कुछ नहीं है, जस्ट 22 वॉट्स है रनिंग में एंड 3 वॉट्स स्लिप मोड में। और इनपुट क्या रहता है अगर स्कैनर के थ्रू, स्कैनर नहीं, ये ओनली प्रिंटिंग है, इसमें स्कैनर नहीं है। स्कैनर के लिए इसमें दूसरा मॉडल आता है, वो T3130N की जगह यहाँ पे M हो जाएगा, वो स्कैनर भी है। प्रिंट कॉपी स्कैन तीनों चीज़ आ जाएगी उसके अंदर। इनपुट आप अपने कंप्यूटर के थ्रू, फ़ोन के थ्रू, किसी भी थ्रू आप इसमें इनपुट, इसमें सब कुछ है। आप फ़ोन से लो, वाईफाई अपने सिस्टम से कनेक्ट करके लो, या लैन से लो, या USB से लो, सारा कुछ इसके अंदर हो जाएगा। सो बेसिकली एक तरह से ये हाइब्रिड प्रिंटर हो गया कि आपका A1 साइज, जिस भी साइज में पेपर है आपका यहाँ पर प्रिंट हो गया। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा और भी किस किस टाइप के प्रिंटर्स आपके पास अवेलेबल रहते हैं? सो अभी हम लोगों के पास नॉर्मल डॉक्यूमेंट प्रिंटर्स हैं, फोटो प्रिंटर्स हैं, देन वी हैव सब्लिमेशन प्रिंटर्स, देन वी हैव टी शर्ट प्रिंटर्स, टी शर्ट के ऊपर जो हमें प्रिंट करना होता है उसके DTF है, देन DTG है, देन टेक्सटाइल प्रिंटर्स हैं, देन लेबल प्रेस वी हैव। सो वी आर इनटू बिलिंग प्रिंटर्स ऑल्सो, जो हमारे बिलिंग प्रिंटर्स होते हैं, पॉस प्रिंटर्स होते हैं, वो भी हम लोग करते हैं। प्रोजेक्टर्स में हम लोगों के पास पूरा सेगमेंट है, फॉर क्लास, स्कूल्स के लिए, बोर्ड रूम्स के लिए, कॉन्फ्रेंस रूम्स के लिए, वो सब कुछ हम लोग करते हैं। तो अगर इनको किन्हीं को इस टाइप की प्रिंटर्स चाहिए तो अपने आसपास के जो भी डीलर्स है उसके यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हाँ, आप पहले हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आप हमारे सारे प्रोडक्ट्स चेक कर सकते हैं। देन वहीं पे हमारे पार्टनर्स भी लिस्टेड हैं, रीजन वाइज यू कैन चेक कि कौन सा पार्टनर आपके पिन कोड के हिसाब से अवेलेबल है। देन फॉर सर्विस यू कैन कॉन्टैक्ट आवर कस्टमर केयर, वी हैव दी व्हाट्सएप पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली टोल फ्री नंबर पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। पैन इंडिया वी हैव अप्रॉक्सीमेटली 400+ सर्विस सेंटर्स विच ऑन लाइक वी प्रोवाइड ऑन साइट सर्विस फॉर मैक्सिमम प्रोडक्ट लाइन्स विच वी हैव। सो ये सारी चीज़ें हैं। थैंक यू सर, बात करने के लिए धन्यवाद।